brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. रायबरेली में राहुल गांधी के सामने कैसे बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह अकेले पड़ते जा रहे हैं, हम आज ये आपको समझाएंगे। ये भी जानिए कि क्या श्री कला धनंजय सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्या है चर्चा। और इसके अलावा जिन लोगों ने राज्यसभा में बीजेपी का समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, क्या वो अब खुलकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं या फिर अपनी सदस्यता बचा रहे हैं। ये तीनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का दावा है कि वो राहुल गांधी को 2 लाख वोटों से हराएंगे। बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार राहुल गांधी रायबरेली में फंस जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि रायबरेली में बीजेपी गुटबाजी की शिकार है। एक को टिकट मिला तो दो नाराज। जी हाँ, दिनेश प्रताप सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया, लेकिन क्या अदिति सिंह उनके समर्थन में है? क्या मनोज पांडे उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं? हालांकि मनोज पांडे भी तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं, लेकिन अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह की अदावत किसी से छुपी नहीं है और दोनों एक वक्त एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरीके से हो चुके हैं। ऐसे में जो सूत्रों से खबर है वो ये कि अदिति सिंह ने शीर्ष नेतृत्व को, खास करके जेपी नड्डा आए थे तो उन्हें मना कर दिया है कि वो दिनेश प्रताप सिंह के लिए चुनावी कैंपेन नहीं करेंगे। सूत्रों की माने तो इन दोनों की अदावत रायबरेली में सियासत के अलावा भी है और इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार कम से कम यहां अकेले पड़ते दिख रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कई विधायक उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, कोई खुले तौर पर, कहीं कोई छुपे तौर पर, लेकिन रायबरेली ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार यहाँ अपना पूरा दम लगाने जा रही है। बीजेपी क्या दम लगाएगी जब उनके अपने विधायक, अपने नेता, अपने उम्मीदवार के साथ खड़े ना हो। मनोज पांडे, जी हाँ, मनोज पांडे ने बीजेपी का राज्यसभा चुनाव में समर्थन कर दिया था, उनके साथ साथ कई जो विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन किया था, लेकिन क्या मनोज पांडे बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह को जिताने की कोशिश करेंगे? यूपी तक ने आज उनसे बात की, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दिया कि वो फिलहाल सपा के सांसद हैं, विधायक हैं, सपा के, टेक्निकली सपा के विधायक हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करें, वो अमित शाह के साथ खड़े हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं, लेकिन कैंडिडेट के नाम पर उन्होंने भी पूरी तरीके से चुप्पी साधी। तो रायबरेली, जहां से बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया है, बड़े बड़े नामों को अपने साथ जोड़ लिया है, जिसमें से अदिति सिंह हैं, जिसमें देखा जाए तो अदिति सिंह के अलावा मनोज पांडे हैं, लेकिन क्या ये सब समर्थन में खड़े हैं? और यही यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह को भारी पड़ रहा है, क्योंकि स्थानीय तौर पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा, फिलहाल अकेले दिखाई दे रहे। आज राहुल गांधी ने लखनऊ में एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं और आने वाले वक्त में अब कांग्रेस भी अपनी राजनीति बदलने जा रही है। गलतियां क्या हुई और राजनीति किस तरीके से बदलेगी, इसका तो कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन गलतियों को लेकर उनकी जो बात है वो आरक्षण के रूप में मानी जा सकती है कि जिस तरीके से इस वक्त अग्रेसिव तरीके से राहुल गांधी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस ने कभी पहले ये नहीं किया, और जिस तरीके से वो आरक्षण
की सीमा बढ़ाने की बात करते हैं, जिस तरीके से अब वो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, ये कांग्रेस के नई सियासत के बदलने के संकेत हैं। तो क्या सचमुच राहुल गांधी किसी नई कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं? आज राहुल गांधी ने क्या कहा है ये सुन लीजिए। हमारा जो मैनिफेस्टो है क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा, ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। इसके अलावा आज जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिबेट करने को तैयार है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो न सिर्फ पीएम के साथ डिबेट करने को तैयार हैं, बल्कि उनकी माने तो प्रधानमंत्री उनके साथ डिबेट नहीं। सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते। तो क्या श्रीकला धनंजय सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगी? इस वक्त ये चर्चा है, और सूत्रों के मुताबिक श्रीकला धनंजय सिंह को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इस पूरे मामले में बीजेपी से बात करने और कराने वाले भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से धनंजय सिंह ने खुद को विड्रॉ किया है, या कि श्रीकला धनंजय सिंह को विड्रॉ किया है, इसके पीछे की डील यही है कि आने वाले समय में श्रीकला बीजेपी का दामन थाम सकती है। ये बीजेपी को भी सूट करता है, इसलिए क्योंकि पूर्वांचल में धनंजय सिंह का को उस सीट से विड्रॉ करने के बाद अब वो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी। ऐसे में जो बीजेपी का वोट धनंजय सिंह काट रहे थे, माना यह जा रहा है कि अब सपा और बीजेपी की आमने सामने लड़ाई होगी। लेकिन इसके पीछे की डील क्या है? कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात हुई राजा भैया की बैंगलोर में। मुलाकात करने के बाद धनंजय सिंह ने श्रीकला को एक तरीके से विड्रॉ करा लिया, हालांकि उनका कहना है कि बसपा ने टिकट काट दिया, लेकिन भीतर की कहानी यह है कि उन्हें विड्रॉ कराया गया। और उसके पीछे की कहानी यह है कि श्रीकला धनंजय को बीजेपी शामिल करा सकती है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हुई है उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर श्रीकला धनंजय सिंह को बीजेपी ने शामिल करा भी लिया तो चौंकने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्वांचल और राजा भैया से मुलाकात के बाद ये भी चर्चा है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी ऐसे जिलों में जहां बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही थी, शायद वहां मदद भी मिल जाए। तो चुनाव के पहले क्या धनंजय सिंह श्रीकला धनंजय सिंह बीजेपी के साथ दिखाई देंगी? इस चुनाव के पहले कौशाम्बी वाले फेज के पहले क्या राजा भैया भी बीजेपी के साथ दिखाई देंगे? इसकी चर्चा खूब चल रही है। सच्चाई क्या है? फिलहाल भीतरी सोच तो यही बताते हैं कि कुछ न कुछ बातचीत चल रही है, कुछ न कुछ दोनों के बीच डील भी तय है। नहीं तो अमित शाह की मुलाकात राजा भैया से हो और गुफ्तगू कोई ऐसी ना हो जिसका सियासी बड़ा असर ना हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए श्रीकला धनंजय सिंह का नाम बहुत
तेजी से इस वक्त चल रहा है तो वो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। आधिकारिक तौर पर बीजेपी से कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना ही धनंजय सिंह इस बारे में फिलहाल कोई बात कर रहे हैं। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।